बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। स्पेशल ये वीडियो वही फ्रेंड के लिए हैं जिसने मैसेज किया है कि ज़फ़र भाई, हम अपने प्ले स्टोर पर एक ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड, आज इस टॉपिक पर हमारी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक बरवक्त पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर जाना है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐप्स नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, फिर ये मत कहिए कि भाई ने झूठ बोला है। आपको इस ऐप्स नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो प्ले स्टोर होगा, जिस चीज़ पर भी आपका प्रॉब्लम है तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपकी जो एक ऑप्शन है स्टोरेज, ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टोरेज पर जाना होगा, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है आपको स्टोरेज पर जाना है। स्टोरेज पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो प्ले स्टोर को ऑलरेडी डन किया है, ऑटोमेटिकली मेरा जो प्ले स्टोर है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पर प्ले स्टोर आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्लियर किच, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करके अपना प्ले स्टोर को जो सेटिंग्स है वो दोबारा अपडेट होगी ऑटोमेटिकली। और फिर आप यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो प्ले स्टोर में जितना प्रॉब्लम होते हैं वो बिल्कुल सॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं अभी मैंने अपने प्ले स्टोर को जो बिल्कुल सॉल्व किया है, तो इसी तरह ये वीडियोज़ देखें और अपने प्ले स्टोर के अपने मोबाइल में जो सारे ऐप सिस्टम हैं तो वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और न्यू वीडियो आने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। वस्सलाम।